ये है एक शानदार वाटरफॉल जो आपको ट्रेन से दिखते हैं जब आप मुंबई से गोवा जाते हैं, और एक नहीं कई सारे। और ये ट्रेन है द ट्रेन ऑफ वाटरफॉल्स, मुंबई से गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको मानसून के सीन तो दिखाएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि इनके महंगे वाले एग्जीक्यूटिव चेयर कार से इनके बेसिक चेयर कार ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो आइए हमारे साथ इस हसीन सफर पर। मुंबई से गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस, मानसून में ये ट्रेन बन जाता है द ट्रेन ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेन कोंकण एरिया पहुंचती है आपको ट्रेन में बैठे बैठे ही दिखते हैं ढेर सारे वाटरफॉल्स। पहले आपको इस ट्रेन का एक खास राज बताएंगे कि लगभग आधे कीमत में पूरा पैसा वसूल जर्नी कैसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अंधेरे से रोशनी की तरफ। तो इनका एग्जीक्यूटिव चेयर कार का प्राइस है 3,360 रुपया, और लगभग आधे कीमत में इनका बेसिक एसी चेयर कार, और यही बेसिक एसी चेयर कार बिना मील्स के मात्र 1,500 रुपया। तो देखते हैं बेसिक और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है। तो ये रहा एक एसी चेयर कार एक नॉर्मल ट्रेन का, और उसके बिल्कुल सामने खड़ी है दी वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई सीएसटी से सुबह 5:25 पे छूटती है। गोवा अगर आपको जाना है तो मानसून में ही जानी चाहिए, और अगर मानसून में गोवा जाते हैं तो वंदे भारत इज द बेस्ट, क्योंकि तभी तो बनती है ये द ट्रेन ऑफ वाटरफॉल्स। आइए पहले देखते हैं इनका बेसिक चेयर कार का फैसिलिटी, और आपकी मुंह से भी ऐसे ही ऊ की आवाज निकलेगी जब आप इसका टॉयलेट देखेंगे। एकदम विशाल, इतना बड़ा और सुंदर टॉयलेट मैंने आज तक इंडिया में किसी भी ट्रेन में नहीं देखा है। और अब अंदर चलते हैं इनके बेसिक चेयर कार के तरफ। तो ये ग्रीन बटन आपको दबाना है, और फिर अंदर विशाल 3x2 चेयर कार। और हमारा लक अच्छा कि हमारे सामने स्पेशल डाइनिंग एरिया भी है, और इस बेसिक एसी चेयर कार के सीट के हेडरेस्ट में भी प्रीमियम लुक्स है। सामने डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, साथ में आपको इंग्लिश मराठी न्यूज़पेपर आपके सीट पर। आपको मोबाइल चार्जिंग करनी है तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पे है, मतलब वो तमाम सुविधा जो एग्जीक्यूटिव में है वो यहाँ भी है। साथ में आप पे नजर रखने के लिए ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी, और यहाँ के विंडोज में भी सनस्क्रीन है। आइए अब चलते हैं इनके दुगुनी दाम वाले एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार पर। पहले उनका वॉशरूम देखिए, यहाँ पे टिपिकल छोटा सा वॉशरूम, इस तरफ है वेस्टर्न स्टाइल और उसके सामने है इंडियन स्टाइल वॉशरूम। एग्जीक्यूटिव क्लास में काफी छोटे वॉशरूम्स हैं, जबकि हमारे बेसिक चेयर कार में काफी बड़ा वॉशरूम था। आइए अब चलते हैं एग्जीक्यूटिव चेयर कार कंपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे चेयर का कलर डिफरेंट और 2x2 सीटिंग एरिया। यहाँ पे एक ही मेन डिफरेंस है कि आप चेयर को 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, मगर क्या इसके लिए डबल पैसा देना बनता है? तो देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है। तो सुबह सुबह आया चाय बिस्किट, ये चाय काफी जरूरी है क्योंकि सुबह 5:25 का ट्रेन पकड़ना, वो भी मुंबई सीएसटी से, कोई मामूली बात नहीं होती। तो साहब कुछ लोग चाय पी रहे हैं और कुछ लोग मोबाइल में हैं, मगर ज्यादातर लोग झपकी ले रहे हैं, और बाहर अभी धीरे धीरे दिन का उजाला आना शुरू।
इस ट्रेन की चाल में काफी फुर्ती, मगर पैसेंजर्स पूरी सुस्ती में। नंबर 22 चलिए हमारी सुस्ती भगाने के लिए थोड़ी देर में आ जाती है सुबह की नाश्ता, और इस नाश्ते में है ब्रेड, ऑमलेट विद सम वेजीज, और साथ में है गर्मा गर्म वेज कटलेट, और साथ में चोको पाई, बटर, जैम और केचप। भाई आंखों में खुमारी तो है, शायद ब्रेड जैम से ये खुमारी भाग सकती है। मेरे पीछे के सज्जन के खर्राटे से बेखबर मैं सामने सीन में खोया हुआ, और इस कोंकण एरिया के वेस्टर्न घाट्स का क्या सीन है, लग रहा है मानो सामने टीवी स्क्रीन पर कश्मीर का सीन चल रहा है। और बारिश में छोटे छोटे नाले भी बड़े बड़े नदी का रूप ले चुके हैं, और फिर आप ट्रेन में बैठे बैठे ही देखते हैं द ट्रेन ऑफ वाटरफॉल्स की तरफ से ढेर सारे वाटरफॉल्स। जो कुछ वाटरफॉल्स को मैं कैमरे में कैद कर पाया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इसमें से कई वाटरफॉल तो काफी विशाल हैं। न सिर्फ हमारा बेसिक एसी चेयर कार पैसा वसूल है, बल्कि ये पूरा जर्नी पैसा वसूल। चाहे ये सामने के उफनते वाटरफॉल देखे या नीचे उफनती नदियों को, आपका समय कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर लगभग 12:30 बजे आएगा कनकवली रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आपको मिलेगा लंच, और हमारे लंच में है दाल, साथ में चिकन मसाला, चावल, मिक्स वेज, चपाती, साथ में दही, अचार, और भेज में चिकन के जगह पनीर, और सभी खाना बहुत ही लजीज। वाटरफॉल्स का दीदार हो और साथ में ऐसा गर्मा गर्म खाना, भाई क्या बात है। और देखते देखते हम पहुंच गए गोवा में। यहाँ पे बारिश पूरी जोरों पे, नदियां उफान पर। नॉर्थ गोवा जाने के लिए हम उतर गए थिविम स्टेशन पर। मानसून में ये वही गोवा है जहाँ परिवार भी एंजॉय करते हैं और साथ में बैचलर्स भी।